Assalamualaikum, Eid Mubarak. Welcome back to your favorite show, Scooped, and this is your host Kashfa Hashmi. Hopefully आप सबकी ये बड़ी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी. तो आज हमारे शो पर हमें ज्वाइन किया है नूर ने. जी नूर, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतने खूबसूरत प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया. नूर, आज मौका है बड़ी ईद का और आपको हम इनवाइट ना करते तो ये तो हो ही नहीं सकता था. बिल्कुल जी, और हमारे साथ मौजूद हैं काशिफा. और काशिफा, हम क्या करने जा रहे हैं आज स्कूप्स के बेहतरीन एपिसोड में? जी देखिए, बड़ी ईद है, फुल फन होता है, मस्ती होता है. हम अपने घरों में, हमारी बहुत सारी दावतें होती हैं. आपकी अम्मियाँ भी इस वक्त किचन में मसरूफ होंगी तो उनकी हेल्प करना नहीं भूलना. और दूसरी बात तो ये कि जब फन हो रहे हैं आपके घरों में तो स्कूप्स में फन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? नूर को भी हमने इसीलिए इन्वाइट किया ताकि जो हमारा जो फन है वो हम डबल कर सके. अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अपने बच्चों का भी इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे, अपने प्लेयर्स को भी आपसे मिलवाएंगे, उनको गेम समझाएंगे. नूर को भी हम बताएंगे कि हम इस जगह पर कितना फन करते हैं. और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आज हम जरा बाहर हैं. हमने कहा कि भाई बड़ी ईद पर कुछ चेंज होना चाहिए. ईद उल अज़हा हम मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में से एक ऐसा इवेंट है जिसको हम सब मुसलमान बहुत ही जोश, जज्बे और खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. और यहाँ पर हमारे घर में गैदरिंग्स होती हैं, कजन्स के साथ बारबेक्यू प्लान होता है, आउटिंग्स पर जाते हैं. हम भी अपनी गेम्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत ही थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. हम लोग जल्दी से एक बहुत ही शॉर्ट ब्रेक लेकर वापस आते हैं. स्टे कनेक्टेड, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यहाँ पर हमारे प्लेयर्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं. जी तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. माय नेम इज वसीका मीर. ईद पे मजा आ रहा है? यस. अच्छा, मुझे ये भी साथ साथ बताते जाए, मैं भी जानना चाहती हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ईद पर कौन सी चीजें जो बहुत ही पसंद है आपको. बड़ी ईद पे ऐसी कोई कौन सी स्पेशल चीज है जो आपको बहुत पसंद है? जल्दी जल्दी जल्दी. बिरयानी. ओहो, बिरयानी तो लाहौरियों का फर्स्ट लव है. अच्छा जी, पास कराए माइक. आपका नेम? सैयदान रजा. जी आपको क्या पसंद है ईद पर? मुझे ईद पर पसंद बिरयानी है. बिरयानी, दो वर्ड्स हो गए जी बिरयानी के. ओके नेक्स्ट पास. मेरा नाम हाजिक है, मुझे ईद पर बिरयानी पसंद है. थ्री वर्ड्स. ओके पास. माय नेम इज फाइका, मुझे ईद पर टिक्का पसंद है. थैंक गॉड. चलो जी, एक टिक्का पार्टी भी हमारे पास आ गई है. अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही इजी सा टंग ट्विस्टर है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है. मैं पूछूंगी, आप लोग बताएंगे टंग ट्विस्टर कर लेंगे. अच्छा जी, टंग ट्विस्टर ये है कि कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर भूल आया. जल्दी 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 बोलना है, ठीक है? फाइव टाइम्स, ओनली फाइव टाइम्स. कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर भूल आया. इसको जल्दी जल्दी बोल रहे. कमाल ने रुमाल के घर अपना क्या कमाल दिखाया. कमाल ने रुमाल के घर अपना कमाल दिखाया. वाह, रुमाल का कब से घर होने लग गया. अच्छा पास कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं. कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर भूल आया. कमाल ने रुमाल से क्या कमाया, कमाल के कमाया कमाया. पास. ओके आप बता सकते हैं. कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर भूल आया. कमाल ने रुमाल से क्या दिखाया. चले जी. अच्छा जी पास. जल्दी 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 आप बताएं. चले. अच्छा सबको मुझे इंडिविजुअली बताना पड़ रहा है. कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर भूल आया. कमाल ने कमाल ने रुमाल से क्या कमाल दिखाया, अपना रुमाल कमाल के घर. क्या बात है. अच्छा दूसरी तरफ दोबारा दोबारा जल्दी. कमाल ने रुमाल से कमाल दिखाया, अपना अपना रुमाल अपना अपना. ओके चले जी.
यहाँ पर अब नूर मैं चाहती हूँ आप जरा गर्ल्स का इंट्रोडक्शन ले और यही तंग पूछते हैं। और हमारी ये जो टीम है गर्ल्स की बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। वैसे भी हम आमतौर पर स्टडीज में देखते हैं, दूसरी चीजों में देखते हैं जी, लड़कियां लड़कों से दो हाथ आगे रहती है। Exactly. तो चलते हैं लड़कियों से पूछते हैं और जानते हैं कि इन लड़कियों का खेलों में जी कितना इंटरेस्ट है। आगाज करते हैं इस टीम के इंट्रोडक्शन से। तो जी अपने नाम के बारे में हमें बताइए, माइक पकड़िए और हमें बताइए कि आपका क्या नाम है। सैयदा बिनते ज़ैनब, बड़ा खूबसूरत नाम है। हमें बताओ ईद के मौका पर लड़कियों की क्या एक्टिविटीज होती हैं? क्या करना पसंद करती हो? मेहंदी लगाना पसंद करती हो? कपड़ों की तैयारियों में माँ बाप के साथ बड़ा हाथ बटाती है लड़कियाँ, घर के कामों में वालदा के साथ हाथ बटाती हैं, लेकिन आपकी ईद क्या करके गुजरती है? अच्छा नूर, मैंने देखा है कि मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनको बड़ा शौक होता है कि वो चांद रात पर ही अपना प्रॉपर ड्रेसेस, अपने सैंडल्स, अपनी ज्वेलरी, अपने बैग सब कुछ निकाल कर रख देते हैं कि भाई सुबह हम इसको पहनेंगे। ऐसा आपको भी ये एक्साइटमेंट होती है? Yes. क्या okay. बात है जी, माइक आगे पास कीजिए, आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमें बताओ आपका नाम क्या है? माय नेम इज वजीहा। वेरी वेल, बताओ आपको ईद में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है? मेहंदी लगाना अच्छा लगता है मामा के साथ? yes. मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं जी, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम सईदा कोनैन फातिमा। माशाल्लाह, आप बताएं आपको ईद पर सबसे अच्छा क्या लगता है? खाने बनाना, खाने खाना, कपड़े पहनना या फ्रेंड्स के साथ जाकर खेलना? फ्रेंड्स के साथ जाकर खेलना। चलिए जी माइक आगे पास कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयदा अरीज ज़हरा। माशाल्लाह, आप बताएं आपको ईद पर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है? कजन्स के साथ एंजॉय करना। वेरी वेल, क्या बात है। इस लड़कियों को खाना पकाना पसंद होता है, मम्मी के साथ हेल्प आउट करना पसंद होता है, कुछ को मेहंदी लगाना, कजन्स के साथ खेलना। क्या कहती है काशिफा, आज हमारे पास कौन सी गेम्स हैं जो इन दो टीम्स के दरमियान खेली जाएंगी? अच्छा नूर, जहाँ बच्चों को बहुत शौक होता है ना कुछ को खाना बनाने का, खाना बनते देखने का, मामा की हेल्प करवाने का, वही भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिनको सोने का भी बड़ा शौक होता है। ऐसा ही है, अपने पूरी ईद को सोकर गुजारना बड़ा पसंद करते हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े भी ऐसे ही है। एनीवेज, यहाँ पर बात होती है गेम्स की, तो गेम्स तो हमारे देखने वाले बच्चे जानते ही है कि हम कितने मजे मजे के गेम्स उनके लिए इधर लेकर आते हैं। और जब मौका हो ईद का तो गेम्स की तो क्या ही बात है जी। मेरे घर में पर्सनली हम बहन भाई जब भी ईद के मौके पर मिलते हैं तो बहुत सारी गेम्स प्ले करते हैं, जिससे एक बहुत फन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम गेम्स आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी। तो हमेशा की तरह स्कूप्स पे आज बड़ी ईद के मौके पर भी हमारे पास बहुत मजे मजे की गेम्स हैं। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका हमारी टीम से। तो आपकी कौन सी टीम है? तेज रफ्तार। तेज रफ्तार, अभी हम आपकी देखेंगे कि कितनी तेज रफ्तार के साथ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स है। अच्छा तो आपकी क्या टीम है? हम अकल से होशियार है। अच्छा, गेम खेलने के लिए इन दोनों की बड़ी जरूरत होती है, तेज रफ्तार की भी और अकल की होशियारी की भी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम विन करती है जी। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सब कामों से फारिग होकर खा पी कर आप लोगों ने यहीं पर ही बैठे रहना है, क्योंकि अभी बहुत सारी गेम्स हमने खेलनी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा। जी तो हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं अपनी टीम दानी, जो के है अकल से होशियार। भाई मुझे लगता है खा पी के बहुत नील हो गए, जरा ऊंची आवाज से बताएं। हम हैं दानी, अकल से होशियार। अकल से होशियार। अच्छा आपकी टीम का कैप्टन कौन है? हम खुद ही क्यों ना इनमें से एक कैप्टन डिसाइड कर ले। क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप बताइए कौन कैप्टन होना चाहिए। लगता है ये जिस लड़की ने माइक पकड़ा हुआ है ना, ये काफी एनर्जेटिक है, हम इसको कैप्टन बना देते हैं। क्या कहती हो आप, राजी हो कैप्टन बनने को? यस, वेरी वेल। अच्छा दूसरी टीम में से काशिफा कौन कैप्टन होगा? ओके बॉयज, टीम सुंदर जो कि है तेज रफ्तार। अच्छा जी, तेज रफ्तारी से फटाफट मुझे बताएं कि कौन है कैप्टन? आप है कैप्टन। ओके अब जी, तो टीम दानी जो के है अकल से होशियार। अकल से होशियार। अच्छा टीम दानी, आपका कैप्टन कौन है? ठीक है जी, बात है। जल्दी से इधर आ जाए हमारे पास।
अच्छा, अब आप हमें बताएंगी जो कैप्टन है कि आपकी टीम से कौन ये गेम प्ले करना है, क्योंकि हमें इस गेम के लिए दो प्लेयर्स चाहिए। ये आएंगी और आप और हाँ, क्यों ना हम कैप्टन को खिला लें। कैप्टन आप खुद क्या खेलेंगी? कहती हैं आप खुद खेलेंगी और गुड हो गया। अच्छा जी, आप भी इधर आ जाएं जल्दी से। अच्छा, तो ये दोनों प्लेयर्स हैं जो हमारे इस गेम को खेलेंगे। अच्छा, गेम मैं बता दूं कि इसमें हमने करना क्या है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है एक रिंग और कुछ मार्बल्स बाउल के अंदर, आप सबको नजर आ रहे हैं। इसमें हमने करना क्या है कि एक प्लेयर इस रिंग में खड़ा होगा, उसको दूसरे प्लेयर को रिंग को उठाना है, आगे रखना है, उसको जंप करना है, इस तरह से करते हुए उसको अपने मार्बल्स को दूसरे बाउल में थ्रो करना है। तो इस तरह से जितने मार्बल जितनी टीम कलेक्ट करेगी ऑब्वियसली वही होगी इस गेम की विनर। तो गेम को शुरू करें। रेडी है नूर, आप रेडी हैं? बिल्कुल जी, मैं तो रेडी हूँ। चलो जी, तो फिर हम इस गेम को करते हैं शुरू। अच्छा जी, आप दोनों इधर आ जाएं, ये माइक इधर पकड़ा दें। चलें, हम यहाँ पर अपना जो टाइमर है उसको लगा देते हैं। जी तो टीम दानी तैयार है आप दोनों? ओके जी, तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का टाइम। टाइमर हमने लगा दिए है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। चले जी फटाफट, जितनी जल्दी आप करेंगे ना उतनी ज्यादा। वेरी वेल, आपने मार्बल उठाए। ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है। ओके वेरी गुड, जबरदस्त, जल्दी से उठाए, जल्दी से भागने वाली करें अगर आपको जीतना है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाएं। दो स्कोर जिधर दानी ने कर ली है। जल्दी 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 जल्दी, आप भी अपनी टीम को एप्रिशिएट करो ना। एक्सीलेंट, यहाँ पर 3 points हो गए हैं और ओके जी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 seconds रह गए हैं। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत cool, बहुत अच्छा प्ले किए। अब देखना ये है बॉयज के गर्ल्स ने आपको कितना बड़ा टारगेट दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखना ये है नूर के हमारी जो टीम गर्ल्स है जिसका नाम है टीम दानी, उन्होंने कितने स्कोर्स किए। अच्छा गर्ल्स, क्या लगता है आपने कितने स्कोर्स किए हैं? 4। ओके अच्छा जी, तो मेरे साथ मिलके काउंट कर ले टीम दानी ने। 1, 2, 3 and 4। ओके जी, तो यहाँ पर हमारी जो टीम दानी है उन्होंने 4 scores किए हैं। और जी, तो अब हम आते हैं टीम तुंदर की तरफ। टीम तुंदर, कौन से दो प्लेयर्स आके खेलेंगे? अच्छा ठीक है, नॉट बैड, इन्होंने लगता है पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि किन प्लेयर्स ने आना है। अच्छा टीम तुंदर, आपको पता है कि टीम दानी ने आपको कितने का टारगेट दिया है? 4 का। और आपको कितने अपने स्कोर बनाने विन करने के लिए? 5। ओके जी, तो आपके पास भी है बिल्कुल 1 minute का टाइम। टाइमर हो चुका है स्टार्ट, जल्दी से 1, 2, 3, go, hurry up, जल्दी जल्दी जल्दी। तुंदर 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 तुंदर, जल्दी जल्दी बड़े बड़े जंप करें ताकि जल्दी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बना सकें। जल्दी जल्दी जल्दी, एक्सीलेंट, मुझे लगता है कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। Not bad, not bad. Team Tundar भी काफी अच्छा खेल रही है। ओके हरिये हरिये हरिये। अच्छा दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को बकायदा इंस्ट्रक्शन देते हुए खेल रहे हैं पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ। इट्स ओके हरिये हरिये, जल्दी जल्दी। और यहाँ पर काउंटडाउन होता है स्टार्ट। अच्छा हमारे पास सबसे शायद, अच्छा हमारे पास 10 seconds बाकी रह गए। जी हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Wonderful!
सेकंड, दिस इज वेरी बैड, चीटिंग कर लिया आपने तो। अच्छा अब काउंट ये करना है कि टीम तुंदर ने कितने स्कोर्स बनाए हैं। जरा मेरे साथ मिलके जल्दी से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 ओके वेरी गुड एक्सीलेंट। मतलब हमारी जो इस गेम की विनिंग टीम है वो है टीम तुंदर। टीम तुंदर के लिए क्लैपिंग जरा जोर से। बस है, वेरी गुड। अब यहाँ पर जी तो यहाँ पर वक्त होता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, वापिस आना है, अभी भी हमारी गेम्स रहती हैं। यहाँ पर मैं हमारी नूर को कहूंगी कि वो जल्दी से ब्रेक की तरफ जाएं। बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे और भी बहुत सारी गेम्स हैं खेलने को, हमारे साथ रहिए। जी तो हम अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर नूर हम सब तैयार हैं अपनी दूसरी गेम के लिए। आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और मौसम ने एकदम जी करवट ली है और एकदम मौसम बदल चुका है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुके हैं। तो चलिए गेम की तरफ चलते हैं, क्या कहती है काशिफा? जी हाँ जरूर, क्योंकि ऐसा मौसम जो होता है ना वो मूड चेंजिंग होता है, तो जल्दी से क्योंकि हमारे प्लेयर्स एक्टिव हैं तो गेम्स को स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारे प्लेयर्स जल्दी से सुन लें, गेम है क्या, करना क्या है कि दो रिंग्स आपके सामने हैं, आपके साथ हमने हेल्पर्स रखे हैं आपके प्लेयर्स के तौर पे, ठीक है। ये आपको फटाफट बॉल देंगे, आपको बॉल को अपने नेक में डालकर और एक टांग पर जंप करते हुए उस रिंग के अंदर ड्रॉप करना है। ओके, बॉल क्लियर? समझ आ गया आपको? तो एक मिनट की ही आपके पास टाइम है और आपका टाइमर स्टार्ट होता है। 1 2 3 अभी। चले जी जल्दी से रन। ओके टीम तुंदर जल्दी जल्दी जल्दी, टीम दानी वेरी गुड। ओके वापस 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 आएंगे, दूसरी बॉल लेंगे, जल्दी से यहीं से स्टार्ट करें। गुड 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 जल्दी। ओहो टीम दानी जरा फोकस के साथ आप कर सकती हैं। वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नो 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 टीम टीम तुंदर आपको नेक में अपनी टीम को अप्रिशिएट करें। टीम दानी को टीम तुंदर बिल्कुल गलत तरीके से गेम खेलनी है। ओके आपको यहाँ रखना है और फिर एक टांग पर जाना है। चलो जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड एक्सीलेंट भाई। नोर मेरी जो टीम दानी है वो बहुत अच्छे से गेम खेल रही है। बिल्कुल जी, नो डाउट ऐसा ही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बॉल और बॉल। ओके आपकी बॉल खत्म हो गई है, दूसरी बॉल उठाकर लाए उनके लिए, दूसरी बॉल। आप यहीं पर रुकेंगी, चले रन जल्दी जल्दी, जंप स्टार्ट। सुंदर आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपको गर्दन में घुसाकर शोल्डर और नेक के दरमियान में फिर आपको आगे जाना है। स्टार्ट होता है। 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वेरी वेल। ओके वेरी वेल डन। लेकिन और आपको पता कि यहाँ आपकी टीम ने ना बीच में गड़बड़ कर दी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और बारिश बहुत तेज हो चुकी है, बारिश बहुत तेज हो गई है। क्या कहती है काशिफा, वाइंड अप की तरफ चले? जी बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फाइनल ये भी बताती चलूँ कि टीम तुंदर ने क्योंकि बीच में चीटिंग की तो यहाँ पर इस गेम की विनिंग टीम है टीम दानी। वेरी गुड जी। तो यहाँ पर वक्त होता है अपने शो को खत्म करने का। होपफुली ये शो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, अपनी इस ईद को और ज्यादा एंजॉय करते रहेगा और हमें भी याद रखेगा और साथ साथ स्कूप्स को नहीं भूलना, ऑन टाइम आपको स्कूप्स को देखते रहना है। न्यू एपिसोड आप सबके लिए देखते लेकर आते रहेंगे। जी रोल बिल्कुल जी, आज का एपिसोड आप सबके साथ साथ मैंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मुझे स्कूप्स के इस एपिसोड का हिस्सा बनाया गया। हमने तरह तरह की गेम्स खेली और मैंने दोनों टीम्स को बहुत एनर्जेटिक पाया। इसी के साथ अपनी दोनों मेजबानों को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।